दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। न्यू व्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं अभी गांव से। तो मैं अभी जा रहा हूँ नदी की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि हमारी नदी का पानी कितना साफ़ है यहाँ और नहाने लायक और पीने लायक योग्य है ये पानी। दिखाते हैं, इस नदी का नाम है रामगंगा नदी। तो दिखाता हूँ आपको नदी का कुछ नज़ारा और सामने ट्रैक्टर खेतों पर लगा हुआ है वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो अभी मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी आ रखी है इधर आगे खेतों से, तो मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। तो रोड बाय रोड जा रहा हूँ, तो मिलते हैं आगे। देख सकते हैं आप दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा है गांव का, और ये देखिए पीछे इतना अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं अभी तो मैं आगे जा रहा हूँ, बाकी हीजा भी मिल चुकी है नीचे है। तो यहाँ से इतने ख़तरनाक रास्ते से जाऊँगा मैं नीचे, यह रास्ता बिल्कुल सीधा जाता हूँ नीचे को। दिखाते हैं आपको नदी, क्योंकि नदी दिखानी भी ज़रूरी है आप लोगों को। और मैं इसके नीचे से ऐसे निकल लूँ, ये गया नीचे, बहुत खड़ा रास्ता है। ओए आराम से आराम से, ये गया मैं नीचे को आराम आराम से आराम आराम से। काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, अभी दिखाऊंगा आपको पीछे से कैसा रास्ता है। पत्थर भी गिरे हैं, चल जाना तो है ही, चलते रहो। और ये खड़ा रास्ता है पीछे से दिख रहा है आपको। तो पहुंच गया हूँ मैं नदी के किनारे और दिखाता हूँ कुछ नदी का प्यारा सीन। और चमकते पत्थर कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पीछे देख सकते हैं आप। तो इस नदी का नाम है रामगंगा नदी, जो गैरसैंण की तरफ से आती है। गैरसैंण की तरफ से आगे विधान भवन साइड से नीचे से निकलती है नदी। और ये देखिए पीछे कितने अच्छा लग रहा है ये। और मैं नदी में जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको नदी के बीच में जाके। बहुत ठंडा पानी हो रहा है, नहाने में बहुत तगड़ा मज़ा आएगा इसमें। देखते हैं अगर कोई साथी मिलता है तो दिन में नहाने के लिए भी आएंगे और व्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो इतना साफ पानी है, ये पीने योग्य पानी है और सिंचाई के लिए हमारा पानी यही चलता है जो कि नहर के रास्ते आता है ऊपर से। वो भी आपको दिखाऊंगा अगले व्लॉग में। तो एक बार आपको पीछे वाले कैमरे से भी दिखा देते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये है नदी के चारों तरफ का नज़ारा। नदी के बीच में कितना बढ़िया पेड़ हो रहा है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे तो आपको छोटी छोटी मछलियां भी दिख रही होंगी नदी में, क्योंकि तो बड़ी मछली तो डर के मारे गहरे पानी में चली जाती हैं, और जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो किनारे किनारे तैर रहे हैं। देखिए अगर आपको दिख रहा है तो कैमरे में, और कुछ यूं है नदी का नज़ारा। और ऊपर हमारी रोड हो गई मेन वाली जो रामनगर की तरफ को जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारे वहाँ की नदी? और आपको मैं नदी पार करके भी दिखाता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बढ़िया है नदी का, पानी भी ज़्यादा नहीं है। और जब ये नदी जब बारिश के टाइम पर आती है तो लगभग वहाँ तक वो पानी चले जाता है, कोने तक, वहाँ से वहाँ तक चले जाता है और उधर उधर साइड से वहाँ पूरा भर जाता है। तो बहुत उफान पाती है नदी, क्योंकि बहुत नदियाँ मिलती हैं इसमें जो काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है उस समय। तो अभी देखिए अभी इतना पानी है इसमें, तो बारिश के टाइम पर कितना पानी रहता होगा। तो दोस्तों अभी मैं नदी के इस साइड आ चुका हूँ, वीडियो मैंने बनाई थी पर वो गलत बन चुकी है। तो मैं इस साइड आ चुका हूँ, अभी मैं उस टाइम उस साइड था। तो शाम को हम इधर की साइड को ही जाएंगे, क्योंकि इधर नदी के इधर साइड हमारे खेत हैं। तो आजकल तो हम नदी से जा सकते हैं, बाकी फिर हमको जब नदी ज़्यादा आती है तो फिर हमको उस पुल से जाना पड़ता है जो आपने देखा होगा, या नहीं भी देखा है तो किसी समय आपको दिखाऊँगा। तो उस पुल से जाते हैं, काफ़ी लंबा पड़ता है इसलिए हम नदी से आते हैं। और
नदी के, अब मैं उस तरफ जाऊंगा, अभी मैं आया था, वीडियो थोड़ी बनी नहीं, और मैं अब नदी के इस साइड जा रहा हूँ अपनी साइड को। देखिए कितना ठंडा पानी हो रहा है इसमें, और मछलियाँ मेरे को देख के इधर उधर भाग रही हैं, बहुत मछलियाँ हो रही हैं नदी में। नहाने को भी मन कर रहा है नदी में पानी को देख के, पर अकेले नहाने का मन नहीं करता। यहाँ अगर नदी में दोस्त लोग हों या साथी हो कोई, तभी मन करता है, अकेले में मज़ा नहीं आता नदी में, क्योंकि हमने तो बहुत नहाया है इस नदी में बचपन में, स्कूल से आते थे सीधा नदी में, कहीं से भी आओ नदी में ही रहते थे हम। और पानी काफ़ी साफ है इस नदी का, सिंचाई के लिए हमारे लिए यही पानी यूज़ होता है, हर चीज़ के लिए, पीने के लिए भी। पीने के लिए तो खैर हमारे पास गधेरे का पानी आता है, गर्मियों में जहाँ लोगों की कमी पड़ती है पानी की, तो वो लोग नदी का पानी यूज़ करते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और मम्मी उस साइड अभी गाय के लिए घास ढूंढ रही है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं भी नदी के किनारे चले जाऊं। जब तक मम्मी घास ढूंढ रही है तो मैं इधर आ गया। अब मैं उधर की साइड को जाता हूँ मम्मी के पास, और वहाँ से अगर घास होगी तो घास लेके जाता हूँ। और मेरे कपड़े भीग चुके हैं नीचे से। तो दोस्तों और भी चीज़ दिखाता हूँ आपको अपने गांव की, मिलते हैं अभी आगे। तो इस व्लॉग को भी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा, बस आपको थोड़ा बहुत एरिया दिखा दूँ यहाँ का। और ये देखिए पत्थर कितने बढ़िया हो रहे हैं, बिल्कुल साफ पत्थर हो रहा है, जो लोग आजकल दीपावली पर लगा रहे हैं ना अपने सजावट के लिए, यहीं से ले जाओ पत्थर, बहुत पत्थर हो रहे हैं नदी में। तो जिस रास्ते से मैं आया था वो रास्ता आपको दिखाता हूँ, देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, और रास्ता बिल्कुल बेकार रास्ता है, मेरे चप्पल फिसल रहे हैं यहाँ से। हम यहीं से जाएंगे ऊपर को, उधर से लंबा पड़ेगा, ये सीधा रोड में मिलेगी, बहुत खतरनाक रास्ता, ये देख सकते हैं सीधा रोड पे पहुँच गए। ओए ये हम पहुँच गए हैं रोड पे, देख सकते हैं। और मम्मी आ रही है नीचे से, इस घास को मैं पकड़ूंगा, ले तो देख सकते हैं नदी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां दिख रही है, ये गहरा पानी है बहुत, यहाँ बहुत गाड़ियां डूबी हैं अंदर, लोग बहुत मरे हैं इधर, देख सकते हैं मछलियां बहुत तैर रही हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। अब तो खैर पानी इसका बहुत कम हो चुका है, क्योंकि नदी से पूरा भर चुका है मलबा इसमें। तो मम्मी पीछे घास ढूंढ रही है और मैं इधर आ चुका हूँ। देखिए ये हमारे वहाँ की मेन रोड चौखुटिया वाली, और पीछे रामगंगा नदी जो कि किनारे किनारे निकलती है नदी किनारे, और पीछे वो देखिए कितने सुंदर से गांव है, वो तो दिखाता हूँ आपको आगे गांव का नज़ारा। तो मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, आप इतनी देर से मेरा व्लॉग देख रहे हैं पर अभी तक आपने उसको लाइक नहीं किया है, तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अभी जो है चैनल नए नए ही शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दिया था, शौक तो थी पर कुछ कारणों से मैंने छोड़ दिया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसको शुरू ही करूँगा, और चैनल को सपोर्ट कीजिए मेरे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो दोस्तों आपसे यही आग्रह है, बाकी दिखाता हूँ और भी सीन अगर दिखाए जा सकते हैं गांव के, अभी तो मैं यहाँ पर रोड में आया हुआ था तो इतना ही दिखाया। तो दोस्तों आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ, नई चीज़ क्या पुरानी चीज़ है, अरे बहुत टाइम बाद देखने को मिली, जो आजकल थार देख रहे हैं आप, पहले ये वाली जिप्सी हुआ करती थी, मेरे पीछे देख रहे हैं आप, पहले ये वाली जिप्सी हुआ करती थी महिंद्रा की, और यही सबकी शादी में यही वाली जिप्सी आती थी पहले, जो मेरी ताऊ की लड़की है बहन बड़ी वाली, उसकी शादी में सब यही वाली जिप्सी गई थी, पहले टैक्सी में यही वाली गाड़ियाँ चलती थी। देखिए जो आज मॉडिफाई करके थार के रूप में दिख रही हैं, दिखाता हूँ आपको इसका पूरा लुक। ये
देख सकते हैं। पहले हम बहुत जाया करते थे, इनको बोलते हैं जीप, हम इसमें जाते थे। और ये देखिए ऐसी खुली होती थी, तो बहुत मज़ा करते थे हम बचपन में ऐसी जीपों में। लटक के भी जाते थे इस पर, जो ये लटकने वाला है जिसे हम लटक के बाजार जाते थे, और हम पीछे बैठा करते थे इसमें। अभी तो ये काम के लिए यूज़ हो गई है, सीमेंट वीमेंट ढोने के काम आ रही है, पर पहले बहुत मज़ा आता था इन जिप्सियों में। आजकल तो सोमू बोलोरो चल चुकी है, उस समय ये रोडों की रानी थी। तो इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ आपको किस टाइप का था, ये देख सकते हैं पूरा मैनुअल में चलती थी ये। और ये है इसकी बीच की सीट, थार तो नहीं है ये वाली, गाड़ी जरूर आ गई है जो पुरानी वाली थी जिप्सी। देखिए कितनी खतरनाक लग रही देखने में। और ये है सामने तिमिल का पेड़, जिसमें तिमिल भर के हैं, इसको खाते भी हैं, मीठा होता है, और इसकी सब्जी भी बनती है। बहुतों भी आपने वीडियो में देखा होगा, ये देखिए इसके तने पे भी लगते हैं ये फल। गांव में तो खैर इसको यूज़ नहीं करते हैं, जो बाहर के लोग हैं, तो गाँव के लोग तो खाते नहीं हैं, पर इसकी सब्जी खाते हैं कई वीडियो में, लोगों की वीडियो में भी देखा है मैंने। और ये कई गुड़कारी होता है, तो देखिए ये होता है, इसको बोलते हैं तिमिल। और ये पूजा ऊजा में काम इसके पत्ते आते हैं वाले, कोई भी शुभ कार्य होता है तो यही वाले पत्ते काम आते हैं। आजकल तो लोगों ने डोने, रेडीमेड डोने लाने शुरू कर दिए हैं, पहले इन्हीं के डोने बने करते थे, ये इन्हीं पत्तों का बनता था। और नीचे देखिए कई जड़े हुए हैं, पके हुए, ये देखिए आप दिखा सकता हूँ आपको, ये देखिए जो रेड रेड कलर का दिख रहा है पक्के रेड होता है। तो पीछे सामने हमारे खेत हैं, पीछे यहाँ पर ये खेत हैं, और ये जस्ट मेरे पीछे है नदी, ये नहर, इसमें पानी आता है जब हमारी रोपाई लगती है या खेतों की सिंचाई के लिए, इसी में पानी आता है, तो उस नदी का पानी ही इसमें आता है। आजकल सफाई चल रही है, कुछ टाइम बाद इसमें पानी आ जाएगा। और क्यारी हमने दे दी है, ये दिख रहे हैं आप देख सकते हैं, ये क्यारी दे चुकी है, और छोटे छोटे धान के पौधे आ चुके हैं, फिर इसको हम फैला के खेतों में लगाएंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इन खेतों में लगेगा, इसको हम रोपाई बोलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और शुरू करते हैं आज का एक और व्लॉग, क्योंकि कल मैंने आपको नदी वगैरह दिखाई थी, तो उसी में इस व्लॉग को भी मैं ऐड करूंगा। और अभी आए हैं हम खेतों में, तो यहाँ ट्रैक्टर आया हुआ है, और हम जो भट होते हैं काले, उनको बोने के लिए आ रखे हैं खेतों में, तो ट्रैक्टर के साथ ही साथ लगे हुए हैं। और आपको दिखाता हूँ जो हमारी रोपाई होती है, धान दे दी है, ये देखिए तो छोटे छोटे जो पौधे आ रहे हैं ये धान के पौधे हैं, उसके बाद खेतों में पानी भरेंगे पूरा, और इनको लगाया जाएगा पूरा खेतों में। सबके सबके खेतों में अलग अलग हैं, देख सकते हैं आप। और अभी ट्रैक्टर से बुआई होगी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ट्रैक्टर अभी सामने वाले खेतों में है, फिर उधर आएगा, फिर इस वाले खेत में आएगा, और फिर इस वाले में आएगा, तो अभी तो वहाँ चल रहा है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में।